हाँ जी सुल भाई उस पर देखें उस टाइम भी शजील खान की भी जब सिलेक्शन हुई थी तो इस चीज़ को मैंने इंडिकेट किया था कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द स्किल एंड द फिटनेस ओबियसली फिटनेस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट के वो प्लेयर्स की होनी चाहिए अब उसके अंदर अब ये कि चीज़ें आपने गेज करनी है कि ओवैसी जब टी ट्वेंटी की हम बात करते हैं कि फिटनेस फॉर द ट्वेंटी ओवर्स उसके साथ साथ फिर आपकी जो एक्चुअल स्किल है बैटिंग की तो उसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं उसका एक बैलेंस देखने की कोशिश करते हैं तो शर्जील के टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि फ़िटनेस येस वेरी इंपॉर्टेंट ही नीड्स टू इम्प्रूव जो कि इंप्रूव होती हुई नज़र भी, भी आई है और सेम केस विद आज़म खान ओबियसली उसकी फ़िटनेस में भी बेहतरी आ रही है और उसके लिए आगे फर्दर भी गोल सेट किए गए हैं और वो फुली वो अचीव करेगा तो फिटनेस स्टिल रिमेन्ज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी लेकिन ऑन द सेम टाइम हमें टीम की ज़रूरत भी देखनी है और साथ साथ जो आ, उसके ऊपर जो क्राइटेरिया शॉर्ट ऑफ अ क्राइटेरिया हमने यही बनाया है कि इनमें आपको प्रोग्रेशन नज़र आनी चाहिए हमें इन प्लेयर्स के अंदर कि इनकी डे बाई डे या वीकली रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं फिटनेस की तो डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है और के यही है कि इनको फिटनेस पे और काम करना होगा लेकिन एट द मोमेंट फील के के टीम के अंदर हमें एक ऐसे बैट्समैन की की ज़रूरत है, है, जो कि के आजम के पास जिस तरह एबिलिटी लेकिन डेफिनेटली फिटनेस पे काम होता रहेगा अगर हम देखें जब लास्ट टाइम भी, भी, भी दो दो तो 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 फर्क है अब पिछले दो ढाई तीन माह में कोई ऐसी क्रिकेट डी हुई जहाँ महद वसीम खेले एक तो ये बता दें कि महाद वसीम की परफॉर्मेंस में तो ऐसी क्या बेहतरी आ गई कि आपने चार दो लेग स्पिनर दो लेफ्ट लेफ़्टॉप स्पिनर तो बजा ये लग रहा है शायद किसी प्रेशर कर दी जाए इसी तरह अगर हम देखें उस्मान सलाउद्दीन हैं कामरान गुलाम हैं वकास मकसूद हैं समीन गुल हैं अनगिनत और क्रिकेटर्स हैं जो कि मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो शायद आपकी क्राइटेरिया में कहीं फिट नहीं आ पा रहे उसके बरअस अगर हम देखें शाहनवाज धानी है वो टीम में एक परफॉर्म एक सीज़न

का जो केस है कि उस टाइम भी मैंने मेंशन की थी कि ओबियसली उनकी परफॉर्मेंस हमें उस तरह तो नज़र नहीं आ रही थी अब आपको कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है सन्ारीयो चेंज हो गया है अगर आप देखते हैं तो ओबियसली ये टूर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन इसके बाद आने वाले इवेंट्स हैं इंक्लूडिंग आई वर्ल्ड कप अब चांसेस उसमें भी यही लग रहे हैं कि यूएई के अंदर वर्ल्ड कप होने के चांसेस हैं अब इमाद की अगर हम परफॉर्मेंस यूएई के अंदर देखते हैं तो दैट इज़ आउटस्टैंडिंग कि उसकी बॉलिंग की अगर हम स्पेशली देखते हैं कि वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है तो हमने फ्यूचर देखते हुए इमाद को हम वापस लेके आए हैं और साथ साथ ओबीसी उनकी बैटिंग का भी एज हमें मिल सकता है डाउन दी ऑर्डर तो इसमें ये नहीं है कि वो बस बगैर वजह के चले गए थे वो बगैर वजह के आ गए थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जिस टाइम पे पहले टीम अनाउंस हुई थी उस टाइम सर्कमस्टांसिज डिफरेंट है अब जो टीम हम अनाउंस कर रहे हैं इस टाइम पे हम फ्यूचर जो हमें नज़र आ रहा है वो सर्कमस्टांसिज उसके डिफरेंट नज़र आ रहे हैं तो दैट इज़ द रीज़न तो मैंने पहले भी बात की थी हॉर्सेज फॉर कारसेस कि जिसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतर है तो उसको प्रेफरेंस किया जाएगा उसके बाद आपके सवाल थे जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के हवाले से और स्पेशली टेस्ट टीम के हवाले से आपने बात की है देखें टेस्ट टीम हमारी मोरलेस आपको सेटल नजर आ रही है तो उसके अंदर ऑब्वियसली जब स्पेस क्रिएट होती है तो उसके बाद ही आप अगले जो आने वाले लाइनअप में लड़के हैं आपने उस्मान का नाम लिया दो तीन और प्लेयर्स का नाम लिया उससे ज़्यादा जो परफॉर्मर थे दे आर स्टिल वेटिंग फॉर दे टर्न की प्लेइंग एलेवन में उनकी जगह नहीं बन रही है चाहे वो साउथ शकील उसमें आ जाते हैं वो भी परफॉर्म करके किए हुए हैं तो ये मार्किंग हमने की हुई है कि नंबर वन हमारा कौन है उसके बाद कौन है तो रैंकिंग इनकी हमने की हुई है डेफिनेटली इन पर हमारी नज़रें भी हैं अभी के? कि हमें आपको ये लड़के नज़र भी आएंगे और उसके बाद होपफुली अभी आ, ए टीम का टूर भी आने वाला है तो आपको ये लड़के वहाँ पे नज़र आएंगे लेकिन एट द मोमेंट हर बंदा टेस्ट टीम में एकदम से नहीं आ सकता जैसे ही कोई स्पेस क्रिएट होती है तो प्रेफरेंस इन्हीं लड़कों को मिलनी है जिन्होंने परफॉर्म किया है लेकिन जहाँ तक आपने बॉलर्स की बात की है देखें बॉलर्स और बैट्समैन थोड़ा सा एक डिफरेंट एक वो बन जाता है कि ठीक है बैटिंग में हमारे पास परफॉर्मेंसेज मौजूद हैं लेकिन बॉलिंग में कंपटीशन थोड़ा डिफरेंट आप देख सकते हैं कि हमने बॉलिंग में क्वालिटी भी साथ में देखनी है टीम के अंदर जगह भी देखने के किस तरह का हमें बॉलर चाहिए तो ये इन सारे प्लेयर्स के ऊपर हमारी नजर है और ये आपको नज़र आएंगे हमारे सिस्टम में